विश्व आदिवासी दिवस को पूरे विश्व में जहां एक तरफ धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं निरसा आदिवासी समिति की ओर से विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस मौके पर आदिवासी महिलाओं ने मांदर की थाप पर आदिवासी नृत्य कर सबका मन मोह लिया, जिसके बाद सभी जुलूस की शक्ल में धनबाद के लिए प्रस्थान कर गए। मौके पर मौजूद आदिवासी नेता सझामुमो जिला अध्यक्ष लक्की सोरेन ने कहा कि समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य के तहत आज विश्व आदिवासी दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी ही पर्यावरण के मुख्य संरक्षक है। विश्व आदिवासी दिवस पर बच्चों का क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो आदिवासी समाज है वो एक तरह से ही समाज से कटे कटे हैं, तो उनमें अगर शिक्षा का प्रसार प्रसार हो तो उनको भी हम लोग मुख्यधारा में ला करके जोड़ सकते हैं। हमारी सरकारें भी बहुत प्रयास कर रही हैं। आज देखिए, एक आदिवासी महिला हमारे देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं। तो अगर हम सब मिल करके प्रयास करें तो ऐसा संभव हो सकता है कि अपने आदिवासी समाज को हम मुख्य धारा से ला करके जोड़ें और उनका भी उत्थान संभव हो पाएगा। आपका परिचय? आनंद कुमार मिश्र, प्रधानाध्यापक आदर्श विद्यालय का। आज विश्व दिवस है। सबसे बड़े पहले बात के सभी को बहुत बहुत बधाई। आज विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और ये मनाने का एक ही कारण है कि हमारे आदिवासी लोग बहुत ही निश्चल और समाज से कटे हुए लोग हैं, जिसके वजह से इनको मुख्य धारा में लाने के लिए लोगों ने, विश्व ने सोचा कि आदिवासी लोग को मुख्य धारा में लाने के लिए उसके अधिकारों को बचा